वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्वागत है एक बार फिर से। और अगले चार स्टॉक्स में तो टाटा स्टील है और दूसरा जेएसडब्ल्यू स्टील है। स्टील कंपनी आज मुझे लगता है रेड में रहना चाहिए बावजूद इसके कि बाजार दबाव से उभरेगा। कारण यह है कि देखिए चाइना से ही खबर निकल के आ रही है, आयरन ओर की कीमतें गिर गई हैं, डिमांड गिर गई है, स्टील प्राइसेस बहुत तेज़ी से गिरे हैं, रिबार प्राइसेस बहुत तेज़ी से गिरे हैं। तो मुझे लगता है कि स्टील कंपनी में थोड़ा प्रेशर आगे जाते हुए बनेगा और ये थोड़ा सा परकुलेट कर सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लॉकडाउन और संघाई में सब दिक्कत खड़ी हुई है, पोर्ट बंद है, तो उसकी वजह से स्टील प्राइसेस सप्रेस हो रही डिमांड वजह से, तो ये दबाव में रह सकता है। एनएमडीसी को भी इसीलिए रखा है क्योंकि आयरन ओर की कीमतें बहुत तेज़ी से गिरी हैं। आखिरी स्टॉक है टाटा मोटर्स और इसमें दो खबरें हैं। एक तो लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजीज, इसने ईवी बेस्ड जो है ईवी का जो फ्लीट चलाते हैं, इन्होंने 5000 है ना, इतनी गाड़ियों का ऑर्डर दे दिया है, 5000 गाड़ियां, और वो भी जल्द डिलीवर भी हो जाएंगी टाटा मोटर्स से अगले कितने साल में बना पाएंगी 5000 गाड़ियां? मेरे ख्याल से अगले साल तक तो डिलीवरी खत्म होनी है। बताओ 2 साल में 5000 गाड़ियां देंगे, ईवी फ्लीट चलाएंगे। और एक नई खबर है कि रेंज रोवर, नई रेंज रोवर स्पोर्ट, मतलब पुरानी वाली भी नहीं लगती है। हाँ, वो तो क्लास है तो वो भी एक लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन टाटा मोटर्स एक्चुअली बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, पूरी तरह से कंपनी अपने आप को ईवी में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी गिरावट में आप पोर्टफोलियो में एक्युमुलेट करें, बहुत अच्छा मुझे लगता है, इससे फायदा होगा इनको। पूरे रिजल्ट्स पे फोकस, आप कई सारे नंबर्स आए थे कल, जीएमडीसी को ग्रीन में रख रहा हूँ। ये कंपनी क्या है, सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की अंडरटेकिंग, और 5 लिग्नाइट ऑपरेशनल माइंस ऑपरेट करती है। नंबर्स देखिए, आय में 87% का साल दर साल जंप, 32 करोड़ का एबिटा बढ़कर 419 करोड़, मार्जिन्स 5.6% के बढ़कर 40%, 185 करोड़ के घाटे के सामने 177 करोड़ का मुनाफा, बहुत अच्छे नंबर्स, लड़ा पर रखिए स्टॉक को। महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव, अच्छे नंबर्स है इसके भी, और अच्छा मतलब प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है, क्योंकि आपने नोटिस करोगा मार्जिन पे सबके डेट